हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल आर्ट इंसेन में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम छोटे भीम की जो है राखी बना के देखेंगे बच्चों आपके लिए। तो बच्चों का काफ़ी फेवरेट है छोटा भीम, तो इसलिए आज हम इसकी जो है राखी बना के देखेंगे। तो मैं इसका ये जो है पेंसिल से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। आप भी पहले अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ कीजिए, उसके बाद स्केच पेन से ड्रॉ करें। तो ये हम स्केच पेन से अब इसकी आउटलाइन बना लेते हैं छोटे भीम की। तो काफ़ी ईजी कार्टून है ये, तो बच्चों को ईजी रहता है इसको बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। तो अगर आपसे फिर भी ये ड्रॉ नहीं हो पाता तो आप सीधे सीधे इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं इसके फेस का, छोटे भीम का। इसमें जादू से कलर भर लेंगे। तो अब हमारा छोटा भीम जो है तैयार हो गया है बनके पूरा। एक कार्डबोर्ड लेंगे गत्ता, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, तो कोई भी गत्ता यूज़ कर सकते हैं। और ये हम ब्लू रंग की ग्रील लेंगे, तो हम इसको फोल्ड कर लेते हैं गत्ते को इस तरीके से। आप कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह भी ले सकते हैं प्लास्टिक का कुछ। अब हम इसको इस पर लपेटेंगे। मैं इसको वीडियो को फास्ट कर देता हूँ ताकि अब बोर ना होए। तो इस तरीके से आपको लपेट लेना है, अच्छे से लपेट लीजिए। हम येलो रंग भी यूज़ करेंगे इसमें, कलर्स की वैरायटी रहे ताकि और हमारी राखी और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे। तो हम इसको निकाल देंगे गाइस इसमें से, इस तरीके से आपको केयरफुली निकालना है। अब इसको निकालने के बाद देखिए गाइस, जिस तरीके से मैं इसको पकड़ रहा हूँ आपको वैसे ही पकड़ के बीच में से इसमें एक नॉट लगा देना है कस के। तो गाइस इस तरीके से हम इसमें नॉट लगा देंगे, कस के बांध देंगे इसको बीच में से ऐसे। और हम इसमें दो तीन नॉट जो है लगा देंगे, कस के हम नॉट लगा देंगे इसके अंदर। हम इसको कैंची से कट कर लेते हैं। हम इसे भी कट कर लेंगे कैंची से साइड में से। ये देखिए गाइस ध्यान से इसको ऐसे से हमें साइड से कट कर लेना है ऐसे। और अब हम इसको फैला देंगे, इसको सर्कल सा बना देंगे इसका एक। ये काफ़ी सॉफ्ट भी होती है ये वाली राखी धागों की, जब हाथ पे लगती है तो काफ़ी सॉफ्ट रहती है, तो इसलिए काफ़ी अच्छी रहती है ये वाली। इसको उस तरीके से फैला देंगे, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और गाइस हम दूसरा भी बना लेंगे फटाफट से, इस वीडियो को फास्ट कर देता हूँ मैं। तो सेम प्रोसेस है वही, दो रंग की रील। आप कोई भी कलर के यूज़ कर सकते हैं इसमें। मैं रेड भी थोड़ा सा, गुलाबी भी थोड़ा यूज़ कर लेता हूँ। हम इसको निकाल के इसे भी कट कर लेंगे। इसमें पहले बीच में नोट बांधेंगे, इसी तरीके सेम प्रोसेस वही पहले वाला। और फिर साइड में से इसको कट कर लेंगे और फैला लेंगे चारों ओर इस तरीके से। तो हम जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं धागे एक्स्ट्रा जो आ रहे हैं, हम उनको कट करके निकाल लेंगे ऐसे। बराबर कट करेंगे चारों तरफ से ताकि बराबर रहे जो है सर्कल है, इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे साइड बाय साइड। इसमें भी कट कर लेते हैं हम ज़रा। ये हमारे पास दो हो गई हैं गाइस। अब हम इसको जोड़ के देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से लगेगा कुछ के ऊपर एक, थोड़ा सा भरा भरा सा हो गया है, पहले थोड़ा खाली खाली लग रहा था अकेला। इस तरीके से हम इसको जो लगा सकते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया, हम इसको कट करके निकाल लेंगे। तो ये हम इसको कट कर लेते हैं अच्छे से कैंची से। साइड में से हम थोड़ी सी वाइट वाइट जो है आउटलाइन जोड़ देंगे, वो अच्छी लगती है, स्टिकर वाली लुकिंग आती है थोड़ी उससे। तो अब इस तरीके रखे अपने बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। तो अब हम इसमें ग्लू लगाएंगे पीछे, हमारा कटआउट रेडी हो गया। तो ग्लू लगाने के बाद ये हमारी जो राखी एकदम रेडी हो चुकी है। और अब हम इसको अपने बनाए हुए इस पर जो है चिपका लेते हैं। तो हमारी राखी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। और पीछे धागों की वजह से बच्चों के हाथ में काफ़ी सॉफ्ट भी रहती है, तो ये बहुत अच्छी सॉफ्ट राखी है बच्चों के लिए, उन्हें पसंद भी बहुत आएगी। तो अब बहुत आसानी से जो है, और ऐसी राखी बच्चों की तो बड़ी महंगी महंगी भी देते हैं बाज़ारों में, तो काफ़ी अच्छी राखी बन गई है। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, और ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइस।